फीमेल जो है ना ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, इसने भाई को बाइट भी कर दिया। तो ये फीमेल थी मेरे पास, इसके साथ थोड़ी सी ट्रेजिडी हो गई, इसकी टेल के ऊपर से चीज़ गुजर गई, बाइक गुजर गई थी तो वो कट गई थोड़ी सी। पर कैच लगाया जाए जी, बिल्कुल वो नहीं लगा सकते, तो आप इसके मुंह के ऊपर टेप या कोई रस्सी वगैरह के साथ। ये आपकी पेडिग्री या नॉन पेडिग्री है? ये पेडिग्री है, तो आज हम आए हैं अपने भाई बुरहान की तरफ। तो इनके पास बहुत प्यारा एक ब्यूटीफुल जर्मन शेफर्ड पेयर है, तो उसी पे बात करते हैं और मालूमात लेते हैं। चलते हैं बुरहान भाई की तरफ। तो ये बुरहान भाई हैं हमारे भाई, तो इनके पास एक बहुत प्यारा ब्यूटीफुल पेयर है जर्मन शेफर्ड का। तो और बुरहान भाई कैसी जा रही है, कैसे आपको जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, आपके साथ साथ ये आपको पता ही है। हाँ जी माशाल्लाह। तो कैसे है आपको ये शौक, कब पड़ा, कहाँ से लिया? ये तकरीबन मुझे एक साल हो गया है। अच्छा। शौक करते हुए जी, जी ये जब फीमेल मैं लेके आया था अपने कज़न से, उसके पास था पेयर, तो उससे मैं फीमेल लेके आया। तो ये मेल तो मैं रिसेंटली लेके आया हूँ। अच्छा, जी तो लेके जी जी बिल्कुल। तो ये फीमेल थी मेरे पास, इसके साथ थोड़ी सी ट्रेजिडी हो गई, इसकी टेल के ऊपर से चीज़ गुजर गई, बाइक गुजर गई थी तो वो कट गई थोड़ी सी। तो ये अब फर्स्ट हीट इसकी आई थी 9th मंथ में, अब ये तकरीबन इसकी एज हो गई है 1 साल, तो अब ये दोबारा सेकंड हीट। ये आपकी पेडिग्री या नॉन पेडिग्री है? ये पेडिग्री है, पेडिग्री है जी जी, कागज वगैरह सारे जी जी, पिंक पेडिग्री है ये मेल फीमेल। चलें बुरहान भाई, अब आप अपना मेल दिखाएं, वहाँ देखना जा रही है कि आपने क्या शौक रखा है। तो भाई लेके आते हैं आपको, अपना मेल चेक करवाते हैं। माशाल्लाह आपकी फीमेल भी बहुत प्यारी है और मेल भी, तो ये हीट प्रोसीजर पे चल रही है जी भाई? इसका हीट साइकिल चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो आज इसका 13वां दिन है। 13वां दिन है जी जी। तो हमारे देखने वाले ऑडियंस वगैरह को थोड़ा सा बताएं कि अगर आपकी फीमेल हीट पे आती है जी, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, कब आती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ब्रदर जिसने फीमेल रखी होती है उसको तो फर्स्ट ऑफ ऑल पता चल जाता है, ये वैसे ये मीडियम ब्रीड है, ठीक है, मीडियम ब्रीड। ये मीडियम ब्रीड ये फर्स्ट टाइम मेरे पास जो आई थी ये 9वें मंथ में आई थी, जब इसकी एज थी 9th मंथ। फर्स्ट फीड इसकी 9 मंथ में आई? जी बिल्कुल 9 मंथ में आई थी। अब इसकी एज है तकरीबन 13 मंथ। अच्छा ठीक है, ये 3 से 4 मंथ बाद दोबारा आती है हीट पे। तो आपने फर्स्ट हीट नहीं, फर्स्ट हीट इसकी मैंने मिस करवा दी, मिस करवाई जी, ये फुल मेच्योर नहीं थी। अच्छा। तो इस वजह से ये ना फर्स्ट हीट जो इसकी है वो मिस करवा देनी चाहिए, कि ये फर्स्ट हीट में ज़्यादा तो कंसीव नहीं करती। अच्छा। तो अगर कंसीव करती हैं तो वो बच्चे वगैरह नहीं पाल सकती। इसका मतलब है फर्स्ट हीट आपने मिस करवानी है और सेकंड हीट पे मीटिंग इसकी करवा देनी है। जी बिल्कुल ठीक। तो इसकी क्या एहतियात वगैरह क्या करना चाहिए अगर आपकी फीमेल हीट पे आती है तो क्या? जी ब्रदर सबसे पहले तो इसका साइन ये होते हैं हीट के, कि इसकी वजाइना है वो स्वेल हो जाती है। अच्छा। दूसरे नंबर पे ये ब्लीडिंग करती है। ठीक। कुछ जो होती हैं वो एक्टिविटी सिर्फ अपनी चेंज करती हैं। अच्छा। बिहेव उनका चेंज हो जाता है, साइलेंट हीट भी होती है इनकी। ठीक है, वो डॉक्टर से आप चेक करवा लें, जैसे ही आपको इसका बिहेव चेंज नज़र आए आप अपने डॉक्टर से जाएँ, वो वजाइना स्टोलॉजी या P4 टेस्ट होता है वो टेस्ट करवाएंगे। अगर किसी के पास नहीं है, आपको पता है कि ये कंफर्म हीट पे है। हमारा कोई दोस्त ऐसा देख रहा है भाई, जो कोई बैकवर्ड इलाके से है, कोई गांव से है, जहाँ पे ये सुविधा या फैसिलिटी नहीं है कोई डॉक्टर की, तो उसका भी तरीका काइंडली बताएं ना जी। ब्रदर आपको अगर तो पता चल जाता है कि कन्फर्म ये हीट पे है, तो फिर इसका आप ब्लड सबसे पहले चेक करें। ब्लड इसका आप चेक करेंगे, वजाइना पे लगाएंगे टिश्यू लगा जी, वो ब्लड होगा डार्क, जैसे जैसे वो लाइट होता जाएगा पिंकिश, ठीक है,
ज़्यादा इसके जो कंसीव डेज चल रहे होते हैं वो 11वां और 13वां दिन माना जाता है। अच्छा, 11 से लेके 13 दिन जो बेस्ट हैं इसके लिए। जी बिल्कुल। उसमें आप वीड करवाएं तो कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा बता दें कि एहतियात क्या करनी चाहिए, पानी वगैरह। एहतियात भाई, इसको बस आपने नहलाना नहीं है, दूसरे नंबर पर इसको पानी पर बैठना नहीं देना। अच्छा अच्छा, जी सही। तो माशाल्लाह आपका मेल बहुत प्यारा है। जी जी। तो थोड़ा सा काइंडली इस मेल के बारे में भी बताएं कि अगर कोई इससे मेल करवाना चाह रहा हो तो उससे क्या एहतियात होती है या क्या इन्फॉर्मेशन लोगों को होनी चाहिए? मेल की जब मीटिंग करवानी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो पहले डाइट अच्छी देनी होती है। डाइट अच्छी, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप गर्मियाँ हैं, गर्मियों में इतनी अच्छी डाइट नहीं दी जाती। सर्दियाँ हो तो इनको एग्स वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, EVN के कैप्सूल या चिकन वगैरह, ये आपने लाजमी इनकी डाइट में। वैसे तो ये गर्मियों में भी चिकन इसकी डाइट में लाजमी होना चाहिए। लाजमी जी। तो इसको जब हम मीटिंग करवाने से 6 से 7 घंटे पहले इसको कुछ नहीं खाने को देना, इसका पेट खाली हो, मेल और फीमेल दोनों का। अभी आप इन दोनों को मीट करवाने के लिए रेडी है ये दिन? जी जी बिल्कुल। इसकी फर्स्ट नोड जो है वो 11वें दिन लग गई है। लग गई। आज 13वां दिन है, आज फिर इसकी नोड लगी। अच्छा, अभी आज इसकी सेकंड नोड लगी। जी जी, सेकंड नोड। तो फर्स्ट नोड ठीक हो? फर्स्ट नोड बहुत बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा तंग किया इसने। अच्छा, फीमेल ने बहुत ज्यादा? जी बिल्कुल, फीमेल। ये फीमेल जो है ना, ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। इसका फर्स्ट टाइम था, इसको कुछ पता ही नहीं है अभी तक। इसकी फर्स्ट जो नोड लगवाई है वो तकरीबन बहुत ज़्यादा ना हमें तंग किया इसने। अच्छा अच्छा। ये बाइट नहीं थी करती, इसने भाई को बाइट भी कर दिया। तो इसी वजह से, अगर तो आपके पास वो फैसिलिटी दूसरी है कि इसके मुँह के ऊपर कैच लगाया जाए। जी बिल्कुल। वो नहीं लगा सकते तो आप इसके मुँह के ऊपर टेप या कोई रस्सी वगैरह के साथ, जिससे आप सेफ्टी, जी सेफ्टी फर्स्ट, आपकी सेफ्टी होनी चाहिए, बाद में इनका कुछ बाइट ना कर ले, बाइट ना कर ले बिल्कुल। तो ये मेल को भी बाइट कर सकते। अभी आप इसकी मीट करवाने लगे हैं? जी जी बिल्कुल ब्रदर, आपके सामने करवा देते हैं। वैसे तो इसकी ज़्यादा तो ये टाइम होता है जब टेम्परेचर कूल हो जाए, रात के टाइम या सुबह सुबह, ठीक है। लेकिन आप बहुत दूर से आए हैं, आप हमारे हैं भी भाई, बहुत प्यारे है। तो बिल्कुल आपके लिए तो करेंगे इतना। चलिए भाई, ऑडियंस के लिए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं लाइव डेमो। लेकिन यूट्यूब की थोड़ी सी रूल्स की वजह से हम वो ना वीडियो को कर देंगे ब्लर वगैरह। जी, कम्युनिटी गाइडेशन तो आ जाते बिल्कुल। चले देखते हैं, चले फिर चले चेक करते हैं। ओके भाई। ओके जी ब्रदर, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर फीमेल अग्रेसिव हो जाती है तो बाइट वगैरह करती है क्रॉसिंग के दरमियान, मीटिंग के दरमियान, तो इसके मुंह के ऊपर टेप भी लगा सकते हैं। ये देखें, जैसे कि मेल की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रही है, तो अब इसके मुंह के ऊपर टेप लगाएंगे हम।